साल 2009 में टीम इंडिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने देखते ही देखते क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बाद शतकों के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वनडे क्रिकेट में वो कुछ ही समय में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। क्रिकेट में अगर इतना रुतबा हो तो फिर पैसे के मामले में कैसे विराट कोहली पीछे रह सकते हैं। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में से एक हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। आईपीएल की सैलरी की बात करें तो उन्होंने 16 सीजन में अब तक कुल 175 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन जहां विराट कोहली को 16 सीजन खेलने के बाद 175 करोड़ रुपए मिले हैं, तो वहीं इस फुटबॉल खिलाड़ी को एक साल के लिए 6300 करोड़ रुपए दिए जाने वाले हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में हैट्रिक गोल लगाने के बाद फ्रांस फुटबॉलर किलियन अम्बापे अच्छे खासे फेमस हो गए थे। जिनकी फुटबॉल में रुचि नहीं थी वो भी किलियन अम्बापे का नाम जानने लगे थे। किलियन अम्बापे फिलहाल फ्रेंच फुटबॉल क्लब पीएसजी के लिए खेलते हैं। हाल ही में किलियन अम्बापे को सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब से बड़ा ऑफर आया है। हजारों करोड़ों की इस ऑफर को ठुकराना किलियन अम्बापे के लिए भी आसान नहीं होगा। किलियन अम्बापे सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब में जुड़ जाते हैं तो फुटबॉल खेल के इतिहास के सबसे महंगे फुटबॉल खिलाड़ी बन जाएंगे। उन्हें एक साल के लगभग 6300 करोड़ की रकम की पेशकश की गई है। वहीं दूसरी ओर भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अब सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। पिछले साल कोहली ने करीब 277 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वह आईपीएल टीम आरसीबी के लिए खेलते हैं और उन्हें आईपीएल 2023 में खेलने के लिए फ्रेंचाइजी की ओर से 15 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। वहीं विराट कोहली ने लगभग 16 वर्षों में इंडियन प्रीमियर लीग से अब तक 173 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं दोस्तों आपकी क्या राय है विराट कोहली और किलियन अम्बापे के कमाई को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।